सलाम नमस्ते आप लोगों कैसे हो। तो आपको सरप्राइज आश्चर्य होना चाहिए कि मैं पहली बार एक हिंदी में ब्लॉग कर रहा हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ गुलशान। तो इधर मैं जो एक ब्रिज है, ये एक आप ओवरब्रिज कह सकते हैं, ये फुटपाथ है। आप जो तेजगांव साइड है वहाँ से आप जो रामपुरा पॉल्टन उस साइड है आप वहाँ जा सकते हैं। तो जो महानगर है तो वो वेरी पास मेरे, और जो हाथी झील लेक है ना तो उसकी उस पार है जो महानगर। और वहाँ भी मकबजार, नोएटला, मधुबाग जगह है और उधर ही मैं रहता हूँ। तो ये वीडियो जो एक पोर्ट्रेट में मैं कर रहा हूँ, इसको मैंने सोच लिया है कि इसको अपलोड करूँगा इंस्टाग्राम की जो IGTV है उस पर, क्योंकि जो मेरे उधर फॉलोअर्स वो बढ़ता जा रहा है और वो मैं कहता हूँ उसको तो कंटेंट चाहिए, और इसलिए मैं वहाँ ये अपलोड करूँगा। और फेसबुक वगैरह वगैरह जहाँ भी हैं मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिए। और जब मेरे यूट्यूब चैनल है वो तो आप जानती हैं, मैं उसको भी लिंक जो ये इंस्टाग्राम के IGTV है इसको जो कमेंट हो बॉक्स हो उधर मैं दे दूँगा। तो ये अच्छी बात है, आप सुन रही है क्या जो ठंडा हवा बह रही है। तो अब मैं ये आपको बता ही दूँ कि हिंदी में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, और मैं एक वीडियो बनाया कि हियर इज व्हाई यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी नाउ। मैं इस टाइटल के टाइटल के साथ एक वीडियो अपलोड किया था में। तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइटल में मैं एक वीडियो दिया था, अपलोड किया था, और कई लोग वहाँ कमेंट नहीं किया लेकिन मुझसे पर्सनली बात की, मुझे मैसेज भेजा कि क्यों आप बांग्लादेशी हो, आप बांग्ला बोलती हो, बंगाली जो भी हो वो अगर आप बोलती हो और वही आपको सब काम देती है, आपको काम आती है और आपको और कुछ नहीं चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी समझ लो, अंग्रेजी वही अच्छा है। तो मैं उन लोगों को उतना कुछ नहीं किया, बोला कि देखो भाई अगर तुम डिटेल्स चाहते हो तो मैं आपको डिटेल्स भेज सकता हूँ, लेकिन आप अगर 100 लोगों हैं उधर और मुझे एक एक करके भेजना है तो वो एफर्ट मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो बात यह है कि आपको मैं आपको शॉर्ट में एक ब्रीफ देता हूँ, आपको आप खुद ही इलैबोरेट कर लो। वही कि हिंदी एक सिंपल सा भाषा है और लैंग्वेज कह सकते हो, और इनको बनाया गया ये पहले से नहीं था, इस इनको ये जो लैंग्वेज है इसको बनाया गया इसीलिए कि जो हर कई हर कुछ बोलते हैं, लाइक अलग अलग भाषा है उन लोगों को, लाइक तमिल है, पंजाबी है, बंगाली है। तो अगर ऐसा ही है तो आप कैसे कम्युनिकेट करेगा, जो एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा प्लेस, इतना बड़ा जगह और बहुत पीपल, बहुत मानुष यहाँ है। तो अगर एक कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष तो हो ही जाएगा, अगर समझदारी के बात नहीं हो, जानकारी के बात नहीं हो। तो यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है, ये है कि जो पब्लिक है थोड़ा ज़्यादा है मेरे आसपास, और मैं अभी पब्लिक अटेंशन नहीं चाहता हूँ, इसीलिए ऊँची आवाज़ में नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आप अगर आपको पूछूं, आप एक बांग्लादेशी हो और आप कोलकाता से भी हो,
जो आप क्या क्या भाषा बोलते और समझते और आप क्या इस्तेमाल करते। तो अगर मैं एक बंगाली को वो पूछूं तो वो उसी वक्त बोल देगा कि हाँ वो और एक जानते बांग्ला की बात, बांग्ला छोड़ के वो थोड़ा थोड़ा इंग्रेजी समझता है। और ये हाँ, बांग्लादेश में कोई नहीं है जो हिंदी फिल्म में वो नहीं देखा। तो अगर आप हिंदी से इतना ही फेमिलियर हो तो आप क्यों नहीं वो बोलते हो। हाँ, यही मेरे सवाल हैं आप लोगों से। अगर ऐसा हो तो आप बोलते क्यों नहीं हो। तो इस वीडियो बढ़ते जा रहा है, 5 मिनट नहीं बढ़ गई, ऑलरेडी 6 मिनट हो गई। तो मैं और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, मैं आपको सिर्फ सवाल पूछूंगा, मैं आपको कोई फैसला वैसला नहीं देने आया हूँ। अगर आप चाहते हो तो हिंदी को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। जो मिडिल ईस्ट है, जहाँ भी माइग्रेंट्स है, उधर जो डिफरेंट लैंग्वेज का कम्युनिटी है, हिंदी को ही वो चुन लेते हैं क्योंकि वो जो सिंपल है और हर कहीं उसको समझते हैं। अगर आप बड़े तरह इसको इस्तेमाल कर चाहूँगा करना चाहते हो तो वो भी कर लो आप। तो मैं आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाया क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, प्रॉब्लम होता है इसीलिए। तो ये जो प्लेस है, यहाँ मैं एक वीडियो बनाया था, एक नहीं दो और तीन होगा, लेकिन वो कई साल पहले, और मुझे याद नहीं है उसका टॉपिक क्या था। और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई यार थे मेरे, और मेरे कज़िन भी थे, इसलिए हाँ ऐसा ही कुछ। तो जो पब्लिक आसपास से जा रहे हैं, ये मुझे ऑकवर्ड फील देती है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो आप लोगों को सलाम, इस वीडियो देखें, इसको शेयर करें, मेरे यूट्यूब पे आप ध्यान दें, और फेसबुक जहाँ भी है सोशल मीडिया, आप मुझे हर समय नॉक कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है।